Hey guys, Explorer here. Welcome back to the channel. Actually, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ. वो है मतलब टाटा पंच का जो एलम वाला फीचर्स है उसका क्या फीचर्स है कि नहीं. तो अगर मतलब ये गाड़ी मेरा अभी मतलब अनलॉक कंडीशन पे है, तो मैं अगर मतलब ये चाबी से गाड़ी को लॉक करने का कोशिश कर रहा हूँ. देखो गाड़ी लॉक हो गया, देख रहे हो. ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं. मैं चाबी से अभी ओपन कर रहा हूँ, तो नॉर्मल गाड़ी खुल गया, कोई भी साइरन नहीं बजा, कोई भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, एकदम ओके. बट अगर मैंने गाड़ी ठीक है गाड़ी मैंने रिमोट से लॉक कर दिया, गाड़ी लॉक हो गया. देखो मैंने अभी ये की से ओपन कर रहा हूँ, हालांकि ओपन भी हो गया गाड़ी, डोर खुला. ठीक है, साइरन नहीं बज रहा है. ठीक है, बट जब मैं बैठने जाऊंगा तो उस टाइम पे देखो. सो दिस इज वन फीचर्स रिगार्डिंग दैट टाटा पंच एलार्म और दैट इमोबिलाइजर यू कैन से और दैट एंटी थेफ्ट सिस्टम. सो या दिस इज वन थिंग मीन्स एक मतलब फीचर्स है. मतलब ये मुझको मालूम नहीं था, बट हाँ बाय द टाइम ये पता चला तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिया. तो ये जो एडवेंचर विथ रिदम पैक मॉडल का और एक फीचर्स है. मतलब मैंने एक वीडियो और भी डाला था इससे पहले, बट हाँ आप ये जो है मतलब फॉलो मी हेडलैम का लाइट मतलब 5 सेकेंड से ज़्यादा मतलब प्रेस करके रखोगे तो बूट जो है ओपन हो जाएगा. जो नॉर्मल मतलब इससे ऊपर वाला जो है मतलब कीलेस जो एंट्री होता है, जो उसमें जो की मिलता है उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बूट ओपन का तो स्विच देता ही है. बट इसमें देखो एक छोटा सा बूट ओपन का मतलब साउंड आएगा. देखो मैं देख रहे हो बूट ओपन हो गया. तो अभी मैं जस्ट नॉर्मल ओपन कर दिया. तो ये एक अलग सा चीज़ है. मतलब यू कैन से फीचर्स फॉर दैट एडवेंचर विथ रिदम पैक मॉडल और आई कैन से नॉर्मल जो क्रिएटिव वाला होता है उसमें भी है ये फीचर्स. मतलब आप चाहो तो आप यही की से बूट ओपन कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग.